इस तरीके से आप देखें हज़रत उस्मान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु के खालू थे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियों की शादी उनके साथ कर रखी थी। जब दूसरी बेटी की वफ़ात हो गई तो हमारे नबी ने फरमाया हमारे पास तीसरी बेटी होती तो भी उसकी शादी में हज़रत उस्मान के साथ कर देता। उनको भी मज़लूमाना तौर पर शहीद किया गया और उनकी शहादत भी हज़रत हुसैन से बड़ी शहादत थी, बड़ी शहादत थी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की। पूरा मुहासरा किया गया पूरे एक महीने तक खाना और पानी भी नहीं मिला हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। वो शख्सियत, वो ज़ात मुबारका जिसने मदीना के लोगों के लिए, जब यहूदियों ने जो मदीने के अंदर जो कुएँ थे यहूदियों के कब्ज़े में थे, उन्होंने मुसलमानों पर उस कुएँ से पानी लेने को हराम कर दिया, मना कर दिया और कहा कि कोई इस कुएँ से पानी नहीं ले सकता है। और जब मुसलमान पानी के लिए तरसने लगे तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन कुओं को ख़रीद करके तमाम मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया था। जिस ज़ात मुबारका की वजह से मदीना के मुसलमानों को पानी मिला, एक दिन ऐसा भी आया कि पूरा एक महीने तक खाना और पानी के लिए तरसते रहे। इसीलिए अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहा करते थे कि तारीख़ इस्लाम में अगर कोई सबसे ज़्यादा मजलूमाना तौर पर शहीद हुआ है तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। पूरे एक महीने तक उनके घर का मुआसरा किया गया और कुरान की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त उनको शहीद किया गया। फसेक फी कहमुल्लाह कुरान की आयत करीमा पढ़ रहे थे और उस वक्त उनकी शहादत अमर में आई थी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की। उनकी शहादत हज़रत हुसैन से बड़ी शहादत